रेसिपी एंड लाइफस्टाइल यूके। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और सेम क्वेश्चन मेरे मन में भी थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तो मुझे भी था कि कैसे होता है और WT कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही हो जाता है या क्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ डाउट आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जो मेरे साथ हुआ है मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे को ऐसे क्वेश्चन आए कि आपका चैनल रिव्यू में कितने दिन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आया मेरे को कि आपने WT कितने टाइम में कंप्लीट किया। और थर्ड क्वेश्चन मेरे को आया कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होते ही हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में जब नहीं हुआ था तो पूछा था, तो किसी ने बोला था कि हाँ, WT कंप्लीट होने के बाद भी हमें 2-3 घंटे और करने पड़ते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। किसी ने बोला था कि नहीं, WT कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा WT जैसे ही कंप्लीट होने वाला था तो मैंने देखा था, तो मेरा WT कंप्लीट होने में 1 घंटा बाकी रह रखा था, तो मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जब मैंने अपना WT देखा तो मेरा पूरा WT कंप्लीट हो चुका था और 8 घंटे मेरे को और भी मिल चुके थे। तो 11-12 बजे के करीब मैंने अपना WT चेक किया था, उसके बाद मेरे को वहां पे अप्लाई का ऑप्शन खुल गया था। जैसे ही हमारा WT कंप्लीट होता है तो अप्लाई का ऑप्शन वहां पे खुल जाता है। तो अप्लाई शाम को मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे जो भी हमसे पूछा रहता है वो मैंने फॉर्म फिलअप किया और सबमिट कर दिया। उसके बाद हमने तो खुद से, अगर हमको पता है तो हमने अप्लाई कर दिया, अगर हमको नहीं पता होता है तो YT भी हमको, हमारा जैसे ही WT शब कंप्लीट हो जाते हैं तो YT अपने तरफ से भी हमको YouTube ईमेल भेजता है कि आपका सब चीज कंप्लीट है, अब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं रात को ही कंप्लीट कर चुकी थी सारी फॉर्मेलिटी, क्योंकि मैं रात को ही अप्लाई कर चुकी थी, तो मेरे को सुबह जब ईमेल आया तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे को फिर एक ईमेल और आया YT की तरफ से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मोनो हो चुका है। तो वो मेरे को मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था मेरा, तब मेरे को वहां से ईमेल आया। तो मोनेटाइजेशन मेरा 2 दिन के अंदर हो गया था, 2 दिन मेरा चैनल रिव्यू में रहा, 3रे दिन मेरे को ईमेल आ गया था। तो ईमेल मेरे को मॉर्निंग में आ गया था 7-8 बजे के करीब। उसके बाद मेरे वीडियो पे ऐड नहीं आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि ऐड के लिए भी कुछ अलग से करना पड़ता है। तो फिर जब मेरे ऐड नहीं आए 2-3 घंटे तक, तो मैंने देखा कि ऐड नहीं आ रहे, तो मैंने फिर YouTube में सर्च मारे कि ऐड के लिए भी कुछ अलग से करना पड़ता है क्या, ऐसे करके। तो फिर मुझे पता चला कि ऐड के लिए भी सारी वीडियो में ऐड को इनेबल करना पड़ता है, तो मैंने ऐड को भी किया फिर जाके। तो शाम तक नहीं, आई थिंक 5-5 बजे के करीब मेरे वीडियो में ऐड आना शुरू हो गया और मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो मेरा चैनल रिव्यू में ओनली 2 दिन रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी अदर कंटेंट यूज नहीं कर रखा था, किसी बड़े यूट्यूबर का नाम यूज नहीं कर रखा। दो जो भी था मेरा खुद का था, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे मेरी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल टोटल 2 दिन रिव्यू में रहा और मेरा WT 8 से 9 महीने में मैंने कंप्लीट किया है। और तीसरा क्वेश्चन था आपका कि मोनेटाइजेशन कैसे होता है, तो वो तो मैं बता ही चुकी हूँ कि जैसे ही हमारा WT कंप्लीट होता है, 4000 पूरे होते हैं हमारे जैसे ही, तो उसके बाद उसके नीचे अप्लाई का ऑप्शन खुल के आ जाता है, तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि 3-4 घंटे हमको और करने पड़ते हैं, तुरंत हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमको पता है। अगर नहीं पता है तो YT ईमेल अपने तरफ से भेजती है कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब में सर्च मारा था टेक्निकल इसरार भाई की वीडियो, देखकर मैंने अपना मोनेटाइजेशन का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। बहुत इजी तरीके से सिखाते हैं वो, तो थैंक यू टेक्निकल इसरार भैया आपका। और तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले थैंक यू जो वीडियो बनाया था उसमें मैं कुछ लोगों के नाम भूल गई थी, तो उन लोगों के मैं 1-2 के नाम ले लेती हूँ और बाकी मुझे याद नहीं है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है सोना किचन, उनके चैनल का नाम है सोना, थैंक यू सो मच। और सेकंड नाम है कोमल दी,
कोमल दी, थैंक यू सो मच, भजन ज्ञान सागर उनके चैनल का नाम है, तो थैंक यू सो मच कोमल दी। जस्मी किचन, जस्मी दी थैंक यू सो मच, जस्मी किचन उनका चैनल का नाम है। और फ्रेंड्स अगर अभी भी कोई बाकी रह गया है तो प्लीज आई एम सो सॉरी, कोई भी नाराज मत होना। और चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैंने जो भी कहा है आपके समझ में आया होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।